अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक मैथ्स कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2 कह रहे हैं अब रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, इसको फैक्टर्स में लेकर आना है हमने, ठीक है। तो आपने ए वाली वैल्यू पहले लिख ली ए स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है। फिर आपने लिख दिया 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर। अब इस तरह से लिखने का वजह हमने ये इसलिए लिखा कि अब ये जो पूरी टर्म है ना, ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में बन जाएगी। a माइनस बी होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या है, a के बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a, b की वैल्यू क्या हुई 1 हुई और 1 का स्क्वायर 1 रहता है। तो ये पूरी वैल्यू आपके पास क्या हो गई, a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर का आपने लिख दिया बी का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया आपके पास ए स्क्वायर, और ये माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, जो कि होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे पूरी टर्म किसके बराबर है, ए किसके बराबर है ए माइनस 1 माइनस बी यानी कि माइनस बी। फिर आपके पास क्या है a प्लस बी यानी कि a माइनस 1 प्लस बी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। ये पूरी टर्म a के बराबर, तो a की जगह a माइनस 1 आ गया, और यहाँ पे b क्या है b के बराबर ही है। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें आपने क्या करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy 1। अब आपने इन तीनों टर्म से आपने कॉमन ले लिया माइनस, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का माइनस कॉमन ले लिया पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस 2xy है माइनस कॉमन आया, तो ये हो जाएगा माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर है ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2xy माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 माइनस, अब ये देखें a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा ना। तो यहाँ पे x क्या है, a क्या है x है, b क्या है y है, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपने इसमें वन कर दिया, और इसमें एक हिस्सा हो सकता है कि ये जो 1 है इसको आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a 1 के बराबर, b किसके बराबर x माइनस वाई के, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो a माइनस बी यानी कि 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, और a प्लस बी यानी कि 1 प्लस बी यानी कि x माइनस वाई, ये रहेगा 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई 1 प्लस एक्स माइनस वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पे देखें आपने क्या करना है, आपने पहले ये लिखना है, आपने लिखनी है टर्म 2y³z पहले लिख लिया आपने, ठीक है। इसके बाद लिखा माइनस 2yz³, ठीक है। फिर आ गया आपके पास प्लस y⁴ माइनस z⁴। अब ये करने की वजह क्या है, यहाँ से आपके पास कॉमन क्या आया 2 कॉमन आया, y कॉमन आया, z कॉमन आया, बचा क्या y स्क्वायर, ठीक है। 2 कॉमन आ गया एक y कॉमन आ गया, तो y स्क्वायर बचा, z कॉमन आ चुका, माइनस 2 कॉमन आया y कॉमन आया z कॉमन आया, बचा क्या z स्क्वायर। और यहाँ पे y 4 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस z स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ बन गया, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये रहेगा 2yz a माइनस बी यानी कि y माइनस जी ए प्लस बी यानी कि y प्लस जी प्लस। अब इधर भी आपके पास क्या फार्मूला अप्लाई हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पे अब आएगा a माइनस बी, a बराबर है y स्क्वायर के, b बराबर है z स्क्वायर के, ठीक है। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स में से आपके पास कॉमन आ रहा है y माइनस जेड कॉमन आ रहा है, y प्लस जेड कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये लिख दिया आपने y माइनस जेड कॉमन आ रहा है, y प्लस जेड कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे, जब यहाँ से y माइनस जेड y प्लस जेड कॉमन आ गया 2yz बच गया, ठीक हो गया। और प्लस अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या था, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये किस में ब्रेक करते हैं हम, ये इसको हमने ब्रेक करना था y माइनस जी y प्लस जेड में, ठीक है। अगला स्टेप हमारा क्या था,
इसको भी आपने ब्रेक करके लिखना था y माइनस जेड y प्लस जेड में, ठीक है। तो हमारा क्या अगला स्टेप क्या होता है, टू वाई जेड y माइनस जेड y प्लस जेड प्लस ये भी हो जाता है y माइनस जेड y प्लस जेड फिर y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमारे पास कॉमन आया y माइनस जेड y प्लस जेड, तो यहाँ से बचा टू वाई जेड और यहाँ से आपके पास क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि जो इसको सॉल्व हुआ था इस पर फार्मूला अप्लाई करने के बाद वो हम कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। अब और फर्दर सॉल्व होगा ये, अब यहाँ पे हमारा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। अच्छा अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है टू वाई जी, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए था वाई जी, तो ये फार्मूला हम इन दोनों पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, ये हम अप्लाई नहीं कर रहे फार्मूला। लेकिन यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि ए हमारे पास वाई है, बी हमारे पास क्या है जेड है, ठीक है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है ना, ये ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, और ये क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बेसिस सेम है, पावर ऐड जाएगी टू प्लस वन, ये हो जाएगा वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास है, फोर ए स्क्वायर माइनस नाइन बी स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन अपॉइंट फोर, इसको आपने अरेंज करके लिख लें, इसको आपने अरेंज करना है फोर ए स्क्वायर माइनस टू ए लिख लिया फिर प्लस वन अपॉइंट फोर माइनस नाइन बी स्क्वायर आपने एंड में लिख लिया, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यू आप लिख सकते हैं टू ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और इस पूरी वैल्यू को आप लिख सकते हैं माइनस टू इंटू टू ए प्लस माइनस टू ए इंटू वन अपॉइंट फोर वन अपॉइंट टू, फिर आपके पास आएगा प्लस में वन अपॉइंट फोर है आपके पास, इसको आप लिख देंगे वन अपॉइंट टू का होल स्क्वायर माइनस, इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं थ्री बी का होल स्क्वायर, ठीक है। टू ए को आपने क्या करा, टू ए को आप लिख सकते हैं टू इंटू टू ए इंटू वन अपॉइंट टू, टू से टू कैंसिल होगा टू ए मल्टीप्लाई होगा वन से, तो वापस टू ए आ जाएगा ना आपके पास। तो आपने ये तो क्या करा टू ए को, टू से मल्टीप्लाई भी कराया और टू से डिवाइड भी कराया, ठीक है। वन अपॉइंट फोर को आपने लिख दिया वन अपॉइंट टू का होल स्क्वायर। अब ये करने की हमें क्या वजह, अभी देखें ए माइनस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ए क्या है आपके पास टू ए और बी क्या है आपके पास वन अपॉइंट टू, ठीक है। ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, इसको आपने ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में करके लिख दिया, तो ए आपके पास है टू ए और बी आपके पास है वन अपॉइंट टू और इसका होल स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे भी फार्मूला लग रहा है, ये पूरी टर्म ए के बराबर ये पूरी टर्म बी के बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है और ये आपके पास होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि ए क्या है आपके पास टू ए माइनस वन अपॉइंट टू, बी आपके पास है माइनस के साथ थ्री बी, ठीक है। फिर आपके पास क्या है ए टू ए माइनस वन अपॉइंट टू के बराबर प्लस बी, यानी कि प्लस थ्री बी, ठीक हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर। क्वेश्चन फाइव को आप अरेंज कर लें, आपने पहले लिखा एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स आ जाएगा, इसके बाद प्लस वन अपॉइंट फोर माइनस वाई एंड में, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यू क्या हो रही है, इसको हम लिख सकते हैं, ये फार्मूला बनेगा आपका एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स से आपने क्या करना है टू मल्टीप्लाई कराना है और टू डिवाइड कराना है प्लस वन अपॉइंट टू का होल स्क्वायर, वन अपॉइंट फोर को आपने क्या लिख दिया वन अपॉइंट टू का होल स्क्वायर माइनस वाई एज इट इज, अच्छा माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये रहेगा माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक हो गया। टू से टू कैंसिल एक्स आएगा आपके पास, ठीक है। हमने क्या करा एक्स को टू से मल्टीप्लाई कराया टू से डिवाइड कराया, अब ये भी ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉइंट टू का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस वन अपॉइंट टू माइनस वाई, फिर ए प्लस बी यानी कि एक्स माइनस वन अपॉइंट टू प्लस वाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स में इसको भी आपने पहले अरेंज करके लिखना है, तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए सी
फिर आपके पास आएगा प्लस 9c माइनस बी स्क्वायर, आपने एंड में करके लिख दिया, a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a, फिर आपके पास हो जाएगा 3c। ठीक है, 9c स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3c का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरा फार्मूला क्या बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। तो ये हो जाएगा a प्लस 3c का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे, तो ए माइनस बी यानी कि ए प्लस 3c माइनस बी, ए प्लस बी यानी कि ए प्लस 3c प्लस बी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अब ये ब्रैकेट तो पूरा स्क्वायर में बना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, अब इस वैल्यू को आपने क्या करना है, 4 को आपने 2 कर दिया एक्स वाई, और इसका आपने क्या कर दिया होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें जो कि बराबर होता है a माइनस बी ए प्लस बी के। तो यानी कि पहले आएगा a माइनस बी यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2xy, फिर आएगा a प्लस बी, a पूरी इस वैल्यू के बराबर यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस b यानी कि प्लस b क्या है 2xy। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपने क्या करना है, आपने अरेंज कर लेना है, एक्स स्क्वायर पहले आ गया, फिर आपने 2xy लिखा, फिर वाई स्क्वायर लिखा माइनस 49z स्क्वायर एंड में। अब ये पूरी वैल्यू क्या बन रही है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 49z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 7z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, तो a माइनस बी ए प्लस बी के बराबर होगा ये, तो a माइनस बी यानी कि x प्लस वाई माइनस 7z, a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई प्लस 7z। ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 को भी आपने अरेंज कर लेना है, एच स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 8t माइनस 16। ठीक है, अब हमने यहाँ पे फार्मूला बनाना है। ठीक है, कि इसकी तरह से हम उसको फार्मूले के अंदर बंद कर दें, उसके लिए क्या होगा, हम इस पूरी वैल्यू में से माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ से आपके पास क्या आएगा माइनस 80। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आएगा प्लस 16। ठीक है, माइनस प्लस, अच्छा क्वेश्चन में ना हमारे पास यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर है। ठीक है, माइनस टी स्क्वायर है तो हमने माइनस कॉमन ले लिया ना, तो माइनस प्लस माइनस टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 80 माइनस प्लस माइनस 16। ठीक है, हमने माइनस कॉमन लिया। अब यहाँ पे फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एस स्क्वायर क्या होगा आपके पास, एस स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है टी है, ये रहेगा टी का स्क्वायर माइनस 2 × 2, 4 बनाने के लिए क्या हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस 16 क्या होगा 4 का स्क्वायर, सही हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा अगला स्टेप, एस स्क्वायर माइनस, अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में ये बंद हो गया, तो ये हो जाएगा t माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एस स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास फार्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के, ए माइनस बी यानी कि एस माइनस टी माइनस 4, ए प्लस बी यानी कि एस प्लस टी माइनस 4, तो हो जाएगा एस माइनस टी प्लस माइनस माइनस टी माइनस माइनस प्लस 4, एस प्लस टी माइनस 4। यह आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब कह रहे हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग, 4a4 प्लस 625b4। अब इस पूरी टर्म को आपने ब्रेक करना है, इसको आप किस तरह से ब्रेक करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास देखें दो टर्म्स हैं, और इसको हम फैक्टराइज अगर करना चाहें तो हमारे पास कोई फार्मूला बनेगा ही नहीं कि हम इसको किस फार्मूले के अंदर बंद कर सकते हैं, तो हमारे पास एक स्टेप होगा, हम इस स्टेप में क्या करेंगे, 4a4 ठीक है प्लस 625b4, हम क्या करेंगे, हम प्लस करवाएंगे, कौन सी वैल्यू प्लस करवाएंगे, हम प्लस करवाएंगे 100
ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस भी करवा देंगे 100 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये करने की वजह क्या है? अब देखें, अगर हम 4a 4 को देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर। और इस वैल्यू को अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25b स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, 25b स्क्वायर का, यानी हमारे पास ए स्क्वायर वाली वैल्यू भी है और बी स्क्वायर वाली वैल्यू भी है, लेकिन हमारे पास 2ab वाली वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसको रफ वर्क में करके देखते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या है, 2a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे क्या है, 25b स्क्वायर का, 25b स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू a के बराबर, ये पूरी वैल्यू b के बराबर, और हमारे पास फार्मूले में 2ab भी होता है। अगर हम देखें तो 2ab यानी a क्या है, 2a स्क्वायर, और b हमारे पास क्या है, 25b स्क्वायर। 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 100 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास मिसिंग थी। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू ऐड भी करा दी और ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी करा दी। ठीक है, ताकि हमारे पास इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। तो हमने जब ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करा दी तो हम उसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर का स्क्वायर, फिर प्लस 100 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2a स्क्वायर 25b स्क्वायर। इस पूरी टर्म को हम ब्रेक करके, इस पूरी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 25b स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, 25b स्क्वायर का स्क्वायर, और ये माइनस 100 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज आपके पास है। ठीक है, अब ये किस में बन गया पूरा, a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में। तो यहाँ से हमारे पास a है 2a स्क्वायर, b है हमारे पास 25b स्क्वायर, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 100 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज। सही, अब 100 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर का होल स्क्वायर तो ऐसे आ गया, माइनस इसको हम लिख सकते हैं tan ab का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दें, ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर, तो यहाँ से ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 2 ए स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर प्लस 10 ए बी, फिर हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि 2 ए स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर माइनस 10 ए बी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर वन का आंसर, पार्ट वन का आंसर, क्वेश्चन टू के पार्ट वन का आंसर। ठीक है, ये पूरी वैल्यू ए के बराबर, ये वैल्यू बी के बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है 1 प्लस 4b की पावर 4। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास 1 जो है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, देखें ये हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरी टर्म, यानी कि ये पूरी टर्म आपके पास क्या हो गई, 1 का स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b यहाँ पे आपके पास क्या है, यानी कि ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर वाली वैल्यू भी और बी स्क्वायर वाली वैल्यू भी है, कौन सी मिसिंग है, 2 ए बी वाली वैल्यू। 2 ए बी वाली वैल्यू निकाल लें, 2 के साथ a मल्टीप्लाई करें, a 1 के बराबर है सिर्फ, और b की वैल्यू सिर्फ क्या होगी, 2 बी स्क्वायर, 2 जा 4 बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में आपने क्या कराना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कराना है 4 बी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 4 बी 4 प्लस 4 बी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर। ठीक है, इसको अरेंज करके लिखें, 1 प्लस 4 बी स्क्वायर प्लस 4 बी 4 माइनस 4 बी स्क्वायर, एंड में लिख दिया आपने। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आपने ब्रेक कर दिया 2 इंटू 1 इंटू 2 बी स्क्वायर, इसको भी आपने क्या करके लिख दिया, 2 बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, इस वैल्यू को भी आप लिख सकते हैं 2 बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक हो गया, अब ये क्या बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, यानी कि 1 प्लस 2 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे 4 बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 2 बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, अब b का स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी आपको, ठीक है, 2 बी का स्क्वायर।
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया आपके पास, तो ये आपके पास हो जाएगा ए प्लस बी यानी कि वन प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू बी, फिर आएगा ए माइनस बी यानी कि वन प्लस टू बी स्क्वायर माइनस टू बी। ठीक है, ये सेकंड पार्ट का आंसर होगा। ये पूरी वैल्यू ए के बराबर और ये वैल्यू बी के बराबर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, इसमें हमारे पास क्या है, ए फोर है प्लस ए स्क्वायर है प्लस वन है। अब हमने क्या करना है, हमने करना है अब यहाँ पे हम ऐड और सबट्रैक्ट क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए हम ऐड एंड सबट्रैक्ट करेंगे ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर। ठीक है, इसकी वजह क्या है ये आपने देखनी है। देखें यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। बी की वैल्यू क्या होगी, वन होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए क्या होगा, ए स्क्वायर, और बी क्या होगा, वन होगा। तो हमारे पास फार्मूले वाला, फार्मूले के जो हमारे पास मिड पार्ट होता है, जो टू ए बी वाला हमारे पास पार्ट होता है, वो क्या होता है, वो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या होगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे है ए फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन है। ठीक है, ये हो गया ए फोर प्लस वन प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर, और वन क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर, ए और ये बी है। तो यहाँ पर जो टू ए बी होता है वो किसके बराबर होगा, इसको देखते हुए अगर हम करें तो टू ये वाला ए आपके पास है ए स्क्वायर, और वन आपके पास बी क्या है, वन, तो ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर। ठीक है, हमें टू ए स्क्वायर बनाना है। हम टू ए स्क्वायर किस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर है ना, अगर हम एक ए स्क्वायर में एक ए स्क्वायर और प्लस कर दें तो वन प्लस वन ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस भी क्यों करते हैं, प्लस माइनस ये करते हैं, अगर प्लस माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और वो हमारी पुरानी वाली इक्वेशन वापस आ जाएगी। ठीक है, हमने क्या कर दिया, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा है ए फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर प्लस वन माइनस ए स्क्वायर। सही, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर इंटू वन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। सही, अब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग गया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन माइनस ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ए। सही, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, अब यहाँ पे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हम करवाएंगे वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ए की पावर फोर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एट प्लस ए फोर प्लस वन प्लस ए फोर माइनस ए फोर, तो ए की पावर एट प्लस प्लस ए फोर प्लस ए फोर, ये जाएगा टू ए फोर प्लस वन माइनस ए की पावर फोर एट। अब इसको हम किस में ब्रेक करेंगे, ये ब्रेक हो जाएगा ए की पावर फोर का स्क्वायर प्लस टू ए की पावर फोर इंटू वन प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ए फोर है आपके पास। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला में ये बंद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए फोर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ए फोर प्लस वन माइनस ए स्क्वायर, ए फोर प्लस वन प्लस ए स्क्वायर, ये आपका आंसर। फिफ्थ पार्ट में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने करना है, अच्छा अब यहाँ आप क्या ऐड करवाएंगे ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट आपने यहाँ पे करवाना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आपने करवाना है 16x4y4। सही, यहाँ आपकी इक्वेशन बनेगी 64x8 प्लस 16x4y4
प्लस वाई एट माइनस सिक्सटीन एक्स फोर वाई फोर। ठीक है, पॉजिटिव वाली वैल्यू आपने जो ऐड कराई वो बीच में लिख दी और सब्ट्रैक्ट वाली एंड में लिख दी। अब इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एट एक्स की पावर फोर का होल स्क्वायर। ठीक है, एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर, एक्स की पावर फोर है, टू से मल्टीप्लाई होगी एट, और इसको हम किस में ब्रेक कर देंगे, प्लस टू एट एक्स फोर। ठीक है, टू फोर था सिक्सटीन एक्स फोर ए के बराबर, बी की वैल्यू यहाँ क्या हुई वाई फोर, और वाई एट को हम क्या करेंगे वाई फोर का स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में करके फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही, अब ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ये हो जाएगा एट एक्स फोर प्लस वाई फोर का होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू ए के बराबर, ये पूरी वैल्यू बी के बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एट एक्स फोर प्लस वाई फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एट एक्स फोर प्लस वाई फोर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अब आपने यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कराना है, आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट कराना है फोर आर स्क्वायर एस स्क्वायर। सही, तो ये इक्वेशन हो जाएगी आर फोर प्लस फोर आर स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस फोर एस फोर माइनस फोर आर स्क्वायर एस स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर, और बी की वैल्यू आपके पास क्या होगी टू एस स्क्वायर। सही, ये हो जाएगा प्लस टू एस स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टू आर एस का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस टू एस स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस टू आर एस का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो ये आपके पास आएगा आर स्क्वायर प्लस टू एस स्क्वायर माइनस टू आर एस, आर स्क्वायर प्लस टू एस स्क्वायर प्लस टू आर एस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेवन में हमने क्या करना है, ये है आपके पास सिक्सटीन ए फोर। सही, अब माइनस नाइन्टी सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर को आपने फैक्टराइज, ठीक है, फैक्टराइजेशन यहाँ पे आपने इसको ब्रेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करा रहे, यहाँ पे सिर्फ इसको ब्रेक कर देंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे माइनस सेवेंटी टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सही, और प्लस एट्टी वन बी फोर एज इट इज। अब ये ब्रेक करने की वजह क्या है, इसकी वजह यह है, इसको हम अरेंज करके लिखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा सिक्सटीन ए फोर माइनस सेवेंटी टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एट्टी वन बी फोर पहले आ गया माइनस ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमने बाद में लिया। सही, अब क्या होगा आपका, अब आपने करना है, अब यहाँ पे आपका ना ए स्क्वायर बी ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनाना है आपने, तो ये पूरी टर्म हम लिख सकते हैं फोर ए स्क्वायर का स्क्वायर। सही, माइनस टू, टू से क्या मल्टीप्लाई होगा आपके पास सेवेंटी टू, बल्कि टू फिर आपके पास क्या आता है ए, ए क्या है आपके पास फोर ए स्क्वायर। सही, टू फोर ज़ा एट, एट से ऐसा क्या मल्टीप्लाई होगा सेवेंटी टू आए नाइन मल्टीप्लाई हो, और बी स्क्वायर भी है तो नाइन बी स्क्वायर, ये आपकी बी की वैल्यू हो गई, तो नाइन बी स्क्वायर का स्क्वायर आपके पास क्या होता है एट्टी वन बी फोर। सही, नाइन का स्क्वायर एट्टी वन, बी का स्क्वायर स्क्वायर टू टू द फोर बी फोर, और ये क्या हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फाइव ए बी, ये आपके पास आएगा फाइव ए बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला भी लग गया यहाँ पे, ये हो गया फोर ए स्क्वायर माइनस नाइन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस फाइव ए बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया, तो ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर माइनस नाइन बी स्क्वायर माइनस फाइव ए बी, फोर ए स्क्वायर माइनस नाइन बी स्क्वायर प्लस फाइव ए बी, आपके पास क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है 9x4 माइनस 28x2 z2 प्लस 16z4। अब आपने क्या करा, 9x4 माइनस 28 को आपने ब्रेक करके लिखा, माइनस 24x2 z2 माइनस 4x2 z2 प्लस 16z4। सही, थोड़ा सा अरेंज कर लें आप इसको। इसको आपने अरेंज किया तो आपके पास आया 9x4। सही, इसके बाद आपने लिखना है माइनस 24x2 z2 फिर प्लस 16z4 माइनस 4x2 z2 आपने एंड में लिख दिया। इस पूरी वैल्यू को 3x2 का स्क्वायर, सही, माइनस 2 3x2 2 3 6x2 आपके पास आ गया। 6 ऐसे क्या मल्टीप्लाई 24 आए, 4 आए, ठीक है, और क्या है 4z2, ठीक हो गया। और ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 4z2 का स्क्वायर माइनस यहाँ से आपके पास आएगा 2xz का होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में ये बन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x2 माइनस 4z2 का होल स्क्वायर, सही, माइनस 2xz का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला लग गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा 3x2 माइनस 4z2 प्लस 2xz 3x2 माइनस 4z2 माइनस 2xz, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। 9 आपके पास है, 9 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन आपके पास है x2 माइनस y2 माइनस z2 माइनस 2yz प्लस x plus y प्लस z, ठीक। अब आपने ये किया x2 किया, इन तीनों टर्म्स का आपने माइनस कॉमन ले लिया, सही है, तो ये हो जाएगा y2 प्लस 2yz प्लस z2, इन तीनों का प्लस कॉमन लिया तो x plus y plus z आपके पास ब्रैकेट में आ गया, सही। अब ये क्या हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ठीक है, यानी कि y प्लस z का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x2 माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर, सही, प्लस, और ये वैल्यू आपके पास क्या है, ये आपके पास है x plus y plus z। अब यहाँ पे हमारे पास x2 है माइनस वाई प्लस जी का स्क्वायर है, एक्स आपके पास ए है, बी आपके पास वाई प्लस जी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी, ए की जगह एक्स आया माइनस बी, यानी कि हो जाएगा माइनस वाई माइनस जी, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, फिर ए प्लस बी, यानी कि ए एक्स वाई प्लस जी, सही, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जी। अब क्या होगा, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जी कॉमन आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बचा x माइनस वाई माइनस जी बचा, x प्लस वाई प्लस जी कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा आपके पास 1 बचा, ठीक, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। हमारी एक्सरसाइज 5.2 कम्प्लीट हो गई।